iPhone SE 4 के rumors और leaks इन दोनों यार काफी सुनने में आ रहे हैं, और हो भी क्यों ना, क्योंकि word on the street यही है कि Apple जल्द ही plan कर रहा है कि iPhone SE 4 को launch कर दे Indian market में। अब जो लोग नहीं जानते हैं, iPhone SE एक ऐसी line है especially उन लोगों के लिए जो लोग iPhone खरीदना चाहते हैं but without the flagship iPhone price tag। तो ऐसे में उन लोगों के लिए आता है, उन budget conscious Indian users के लिए आता है iPhone SE। अब थोड़ा अगर context दे दूं तो last time iPhone SE launch हुआ था 2022 के मार्च वाले महीने में, तो ऐसे में ऑलरेडी 2.5 साल बीत चुके हैं, जो इसको एकदम परफेक्ट टाइम बनाते हैं कि भाई अब टाइम हो चुका है नया वाला iPhone SE 4 जल्दी Apple मार्केट में लेके आ जाए। तो ऐसे में क्या लीक्स है, क्या रूमर्स है, क्या इंफॉर्मेशन आ रही है अबाउट द iPhone SE 4, सब चीजें बताता हूं इस वाली वीडियो में। अब बात जब आती है फ्लैगशिप आईफोन मॉडल्स की, चाहे आप स्टैंडर्ड वेरिएंट्स ले लो या प्रो वेरिएंट्स ले लो, तो उनमें अगर मैं डिजाइन की बात करूं तो आईफोन 10 के बाद बहुत माइनर चेंजेस देखने को मिले हैं। पर अगर हम बात करते हैं आईफोन SE 4 की और उसके अराउंड जो लीक्स है, तो भाई ये वाला बहुत मेजर अपग्रेड लग रहा है ओवर द आईफोन SE 3। रूमर्स की माने तो iPhone SE 4 इस बार अपनी छोटी वाली जो प्रीडिसेसर में स्क्रीन थी 4.7 इंच की, उसको डिच करके ले आएगा फुल स्क्रीन 6.1 इंच की, जो कि हमने ऑलरेडी iPhone 14 में देखी है। तो ऐसे में नेचुरली टच आईडी फिंगरप्रिंट सेंसर है वो हट जाएगा, और क्योंकि अब नॉच आ जाएगी तो ट्रू डेप्थ कैमरा भी हमें देखने को मिल सकता है ऑफकोर्स। और जो नॉच की बात हो रही है, तो नॉच भी आप एक्सपेक्ट करोगे iPhone 14, क्योंकि iPhone 14 की डिजाइन पे बेस्ड है, तो iPhone 14 जितना छोटा नॉच हो सकता है, ना कि जो हमने नॉच देखी iPhone 11 और 12 में। दूसरे जो रूमर चेंजेस है डिजाइन में वो है सिंगल रियर कैमरा और टाइप सी पोर्ट, मतलब लाइटनिंग पोर्ट को हटा दिया जाएगा। और तो और रूमर्स तो ये भी बोल रहे कि शायद एप्पल इसमें म्यूट स्विच को हटा के एक्शन बटन डाल दे, बट आई थिंक सो इसका प्राइस थोड़ा सा कम रखेंगे एप्पल, तो ये थोड़ा हाईली अनलाइकली लग रहा है। बट आपको क्या लगता है, म्यूट स्विच आएगा आईफोन SE 4 में या फिर एक्शन बटन आएगा, बताओ कमेंट्स में। आ जाए डिस्प्ले की ओर, तो जैसे मैंने बताया 6.1 इंच की डिस्प्ले होने वाली है इस बार, जो कि OLED डिस्प्ले होगी। अगेन मैं एम्फसाइज करूंगा क्योंकि आईफोन 14 पे बेस्ड है, तो एक्सपेक्ट करो 6.1 इंच की OLED डिस्प्ले, माने कि LCD डिस्प्ले को साइड कर दिया जाएगा। अब जो लोग नहीं जानते, एप्पल ऑलरेडी शिफ्ट कर चुका है OLED डिस्प्ले पे, आईफोन 12 सीरीज ऑनवर्ड उनके सारे फ्लैगशिप मॉडल्स में OLED डिस्प्ले देखने को मिलेगी, तो नेचुरली जो आईफोन SE 4 है नया वाला मॉडल आएगा उसमें भी OLED डिस्प्ले आ सकती है। और OLED डिस्प्ले होने का मतलब यही एक्सपेक्टेशन रखो कि भाई आईफोन SE 4 में आपको बेटर कलर्स और बेटर ब्राइटनेस मिलेगी ओवर द आउटगोइंग LCD डिस्प्ले जो हमने आईफोन SE 3 में देखी थी। अब एक और इंटरेस्टिंग रूमर अराउंड द आईफोन SE 4 इज कि इस फोन में एप्पल A18 चिपसेट देखने को मिल सकती है, जिसका मतलब ये भी है क्योंकि A18 चिपसेट आईफोन 16 में भी है, उसमें एप्पल इंटेलिजेंस है, तो क्या पता एप्पल इंटेलिजेंस आपको आईफोन SE 4 में भी देखने को मिल जाएगी। और क्योंकि हम एप्पल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, तो ये भी बोल सकते हो कि आईफोन SE 4 में शायद 8GB रैम देखने को मिले, क्योंकि एप्पल इंटेलिजेंस को चलाने के लिए बेसिक जो मिनिमम रैम रिक्वायरमेंट है वो है 8GB की, तो शायद आईफोन SE 4 में 8GB रैम हो। और पर्टिकुलरली यही रीजन था कि एप्पल इंटेलिजेंस आईफोन 15 और 15 प्लस में क्यों नहीं काम करते, क्योंकि उनमें 6GB रैम है। इसके अलावा आईफोन SE 4 वो पहला आईफोन भी हो सकता है जिसमें एप्पल अपना खुद का इन हाउस मॉडेम यूज करें, माने कि क्वालकॉम को रिप्लेस कर दिया जाएगा। साथ ही साथ अगर बैटरी रूमर्स की बात करूं, तो 3279 mAh की बैटरी हो सकती है, जो कि अगेन क्योंकि फोन आईफोन 14 पे बेस्ड है और आईफोन 14 में भी यही वाली बैटरी थी। अब आ जाते हैं आईफोन SE 4 के कैमरा की तरफ। तो मैंने बोला कि रूमर यही कहता है कि सिंगल रियर कैमरा आपको देखने को मिलेगा आईफोन SE 4 में, जो कि अगर लीक की माने तो 48 मेगापिक्सल वाला रियर कैमरा हो सकता है आईफोन SE 4 में। अब ये क्या सेम सेंसर है जो कि हमने आईफोन 16 में भी देखा है 48 मेगापिक्सल का, ये तो अभी कंफर्मेशन नहीं है, बट अगेन 48MP कैमरा का होने का ये मतलब तो मैं निकाल सकता हूँ कि भाई एक्सपेक्ट बेटर रिजल्ट्स बोथ इन फोटोज एंड वीडियोज अक्रॉस लाइटिंग कंडीशंस। क्योंकि अगर कॉन्टेक्स्ट दे दूँ तो iPhone SE 3 या फिर इवन iPhone 14 दोनों फोन्स में 12 मेगापिक्सल के रियर कैमरा से, तो 48 मेगापिक्सल कैमरा को होना माने कि बेटर कैमरा हम क्वालिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द iPhone SE 4। बाकी फ्रंट कैमरा की बात करी जाए तो अगेन रूमर्स के हिसाब से 12 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल सकता है, क्योंकि यार बहुत सारे आईफोन में ऑलरेडी चलता आ रहा है। अब आ जाएं अगर लॉन्च की तरफ, तो रूमर्स के हिसाब से आईफोन SE 4 ऑलरेडी प्रोडक्शन में आ चुका है, मतलब इन द मंथ ऑफ अक्टूबर
पर अगर मैं एप्पल के ट्रैक रिकॉर्ड को देखूं विद लॉन्चिंग द न्यू प्रोडक्ट, अब देखो एक्सपेक्टेशंस और लीक्स यही कह रहे हैं कि भाई अर्ली 2025 का रिलीज हो जाता है, हो सकता है, क्योंकि अगेन अच्छी बात है अगर आप जल्दी ले आते हो तो बहुत बढ़िया, बट जैसे मैं बता रहा था एप्पल का ट्रैक रिकॉर्ड, नॉर्मली आईफोन ऐसी मॉडल्स मार्च के महीने में लॉन्च होते हैं, तो मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जब तक कोई पुख्ता खबर नहीं आती तब तक यही मान के चलो कि मार्च 2025 में आईफोन SE 4 लॉन्च हो सकता है, बट जैसे मैंने बोला अगर उससे पहले आ जाता तो भाई बहुत बढ़िया। और बची बात प्राइसिंग की, तो यार आईफोन SE 3 जब लॉन्च हुआ था तो उसका प्राइस था, स्टार्टिंग प्राइस था 43,900 रुपीज़, और कुछ ही महीनों में उसका प्राइस बढ़ा भी दिया था 6,000 रुपये से, तो वो भी हुआ था। बट अभी अगर करंटली देखूं तो आईफोन SE 3 स्टार्ट होता है अबाउट 47,600 रुपीज़ में, तो यहाँ पे अगर मैं आईफोन SE 4 के प्राइस एक्सपेक्टेशंस की बात करूँ तो अगर एप्पल आईफोन SE 4 की प्राइसिंग के साथ भी अग्रेसिव रहना चाहता है तो मुझे यही लगता है कि अंडर 50,000 ये फ़ोन स्टार्ट हो सकता है। एंड अगेन स्टोरेज में भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सारे आईफोन्स क्योंकि ऑलरेडी 128 GB बेस वेरियंट पे, तो 64 GB की जगह 128 GB के साथ अंडर 50,000 iPhone SE 4 शायद प्राइस कर सकते हैं। और अगेन अगर Apple को इस फोन को स्मैशिंग सक्सेस बनाना है इंडिया में तो ये वाली प्राइसिंग स्ट्रेटेजी मेरे हिसाब से काफी बढ़िया रहेगी। बाकी आपके क्या थॉट्स हैं अबाउट द iPhone SE 4, क्या होगा उसका प्राइस और क्या लगता है आपको इन लीक्स को देख के, मुझे बताओ कमेंट्स में, और मैं आपसे मिलता हूं जल्दी अगली वाली वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।